जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास नेपाल का पासपोर्ट है और आप नेपाल के पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग करना चाहते हैं विदाउट वीज़ा या वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ को। वैसे तो नेपाल के पासपोर्ट पे 44 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल हैं, लेकिन हम सबका नाम नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने कुछ कंट्रीज सेलेक्ट की हैं जहाँ पे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, जो सेफ भी हैं। कुछ कंट्रीज अफ्रीका की हैं, कुछ साउथ अमेरिका की हैं, कैरिबियन की हैं, जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है जाना। बहरहाल मैं लिंक वो भी दे दूंगा, वहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो ट्रांजिट वीज़ा या वाया फ्लाइट्स के थ्रू आप जा सकते हैं उन कंट्रीज में। लेकिन ये कंट्रीज मैं वो सिलेक्ट की हैं जो जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैवलिंग ईजी है, जो टूरिज्म के लिए सेफ है। तो अफ्रीका में अगर हम बात करें तो इजिप्ट है, कीनिया है, युगांडा है, रुवांडा है। ये चार कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको ऑफर दे रही हैं कि अगर आपके पास नेपाल का पासपोर्ट है तो आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो देखें, इजिप्ट भी अच्छा है ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए, के हिस्टोरिकल कंट्री है, आप वहाँ भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। युगांडा है, कीनिया है, रुवांडा है, आप वहाँ भी ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अफ्रीका में ये चार मेजर कंट्रीज हैं। वैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो लिस्ट में आप देख सकते हैं। मालदीव आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, पाकिस्तान आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, श्रीलंका का ई वीज़ा है जो कि इजीली मिल जाता है, वहाँ आप जा सकते हैं। जिम्बाब्वे भी आपको ई वीज़ा ऑप्शन दे रहा है, आप वहाँ के लिए भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सूरीनाम है जो कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के साथ एक कंट्री है, आप वहाँ के लिए भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आसानी से आपको मिल सकता है। उज़्बेकिस्तान के भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बाकी यूएई के लिए आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कतर के लिए कर सकते हैं, बहरीन के लिए कर सकते हैं, ओमान के लिए कर सकते हैं। ये कंट्रीज ऐसी हैं गाइस के जहाँ पे आप जो है इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, सेफ भी हैं, और दूसरा ये है कि फ्लाइट्स भी आपको इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। और बात वही है कि जब भी आप किसी भी कंट्री को ट्रैवल करें तो कोशिश करें, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, कि आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, पीसीआर, वैक्सीन कार्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो है वो शो मनी, आपके पास जो शो मनी है वो एटलीस्ट $100 पर डे आपके पास लाजमी होनी चाहिए। टूरिज्म के लिए जब आप जाते हो तो गाइज आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आते हो। ये छोटी कंट्री ज़रूर हैं, लेकिन ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी हैं। आप इनके बाद आगे फिर बड़ी कंट्रीज़ के वीज़े भी अप्लाई करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको वीज़े मिल सकते हैं। जैसे आप तुर्की के साथ साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना चाहें, या आगे फिर शेंजन के वीज़े अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज को ट्रैवल कर लेते हैं, तो दो चार यहाँ से विजिट हो जाते हैं, इसके बाद आप किसी बड़ी कंट्री का ट्रैवल करना चाहते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि जब भी आप ट्रैवल करें दो से तीन कंट्रीज का एक साथ ट्रैवल करें, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अगर आप जा रहे हो या टूरिज्म के लिए अगर आप जा रहे हो, क्योंकि हर बंदे के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, साल में एक या दो बार ही आपने ट्रैवल के लिए जाना है। तो कोशिश करें कि आप जहां भी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल है, या साथ में कोई ऐसी कंट्री लगती है जो आप देखना चाहते हो लेकिन वहां के लिए वीज़ा चाहिए, तो आप कोशिश करो वो वीज़ा भी साथ ले लो। तो एक ही विजिट में, एक ही रो में, एक साथ दो तीन चार कंट्रीज जितने भी आप मैक्सिमम एक विजिट में एक्सप्लोर कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि मेन एक्सपेंस जो ट्रैवलिंग का होता है वो टिकट का होता है। वो अगर आपका एक ही रो में हो जाता है, अगर एक ही टिकट पे आप तीन चार कंट्रीज कर लेते हो तो आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। तो आई होप सो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।